उन चारों को होटल में बैठा देख रमेश हड़बड़ा गया। लगभग 25 साल बाद फिर उसके सामने थे। शायद अब वो बहुत बड़े और संपन्न आदमी हो गए थे। रमेश को अपने स्कूल के दोस्तों का खाने का आर्डर लेकर परोसते समय बड़ा अटपटा लग रहा था। उनमें से दो मोबाइल फ़ोन पर व्यस्त थे और दो लैपटॉप पर। रमेश पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया था, उन्होंने उसे पहचानने का प्रयास भी नहीं किया। वे खाना खाकर बिल चुकाकर चले गए। रमेश को लगा उन चारों ने शायद उन्हें पहचाना नहीं, या फिर उनकी गरीबी देखकर जानबूझकर कोशिश नहीं की पहचानने की। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और टेबल साफ करने लगा। टिश्यू पेपर उठाकर कचले में डालने वाला ही था, शायद टिश्यू पेपर पर उन्होंने कुछ जोड़ घटाया था। अचानक उसकी नज़र उस पर लिखे हुए शब्दों पर गई। उस पर लिखा था, अबे साले तू हमें खाना खिला रहा था तो तुझे क्या लगा कि मैं तुझे पहचान नहीं पाऊंगा? अबे 20 साल क्या, अगले जन्म भी अगर तू मिलता तो तुझे पहचान लेगी। तुझे टिप देने की हिम्मत हमें नहीं थी, हमने पास में ही फैक्ट्री के लिए जगह खरीदी है और अब हमारा इधर आना जाना तो लगा ही रहेगा। आज तेरा इस होटल का आखिरी दिन है, हमारी फैक्ट्री की कैंटीन कौन चलाएगा बे? तू चलाएगा, तुझसे अच्छा पार्टनर और मुझे कहीं नहीं मिलेगा। याद है ना उन स्कूलों के दिनों में हम पांचों एक दूसरे का टिफिन खा जाते थे, आज के बाद रोटी भी मिल बांट कर ही खाएंगे। ये बात सुनकर रमेश की आंखें भर आईं। सच्चे दोस्त वही तो होते हैं जो दोस्त की कमजोरी नहीं सिर्फ दोस्त देख कर ही खुश हो जाते हैं। कैसी लगी आपकी स्टोरी?